नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। सतारा जनपद पंचायत ग्राम चंदेरा में चंदला पहाड़ बना आस्था का केंद्र, दूर दूर से आते हैं लोग। आपको बता दें, जतारा से 15 किलोमीटर की दूरी पर जनपद पंचायत जतारा एवं सागर संभाग की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत ग्राम चंदेरा है, जहां पर चांदला पहाड़ पर भारत माता के लाल 11 वर्षों से चंदेला के चांदला पहाड़ पर राम नाम के नाम से जाने वाले बाबा का आज आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां पर लोग दूर दूर से आते हैं और सबकी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। आज चांदला पहाड़ पर नंदनी गौ सेवा समिति एवं राम नाम परिवार के द्वारा कन्या भोज का आयोजन हुआ और हर साल कन्या भोज कराया जाता है। आज भी नगर कन्या भोज हुआ। भाजपा की जिलाध्यक्ष श्रीमती प्रीति बीडी शर्मा ने बताया, यहां पर दूर दूर से कानपुर, आगरा, दिल्ली, दतिया, ग्वालियर शहर से एवं मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से भक्त राम नाम परिवार से जुड़े हुए हैं। आगरा से आए हुए अनिल, जो अपने परिवार पत्नी और बच्ची के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि राम नाम परिवार में करीब 11 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं राम नाम परिवार में आकर जो सुख शांति मुझे प्राप्त होती है, वह मुझे कहीं नहीं मिलती। मुझे सुख और शांति प्राप्त होती है। बाबा और माता जी के दर्शन एवं आशीर्वाद से मेरे परिवार पर कई बार संकट आए और माता एवं बाबा की वजह से हमारे सभी संकट कट जाते हैं। आज विशाल भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और बाबा एवं माता जी का आशीर्वाद लिया। बक्सवाहा जिला छतरपुर से आई संगीत पार्टी ने धार्मिक गीत भजन प्रस्तुत की, जिसमें लोगों का मन मुक्त हो गया। इस मौके पर पूर्व पंचायत अध्यक्ष सुनील खटीक, भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रीति बीडी शर्मा, भाजपा के चंदेरा मंडल के महामंत्री विश्वनाथ सिंह मंदेला, भाजपा के जिला पूर्व उपाध्यक्ष मुकेश तिवारी एवं ग्राम चंदेरा के नगरवासी एवं दूरदराज से आए धर्म प्रेमी कन्या भोज में शामिल रहे। जतारा से संवाददाता लाली झा की रिपोर्ट। बताइए जरा, चांदला पहाड़ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत पहले तो आस्था का प्रतीक है। मैं भी यहाँ पे 9 साल पहले 10 साल पहले आई थी, लेकिन मेरे मन में जो भी विचार थे, ये कहेंगे कि अच्छे विचार नहीं थे, लेकिन जो भी मेरे दिल में विचार थे, उन विचारों का स्पष्ट तरीके से उच्चारण मैं मन में सोच रही थी और मुँह से महाराज जी बोल रहे थे। तो उस दिन मुझे ज्ञात हुआ कि वाकई में ये सिद्ध स्थान है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है, उसके दुख दूर होते हैं। यहाँ पर क्या क्या आपने ऐसी पाई है कि जो वहाँ पर लोगों के कष्ट दूर होते हैं? किसी को कोई बीमारी है, किसी भी चीज़ का, अगर वो यहाँ रोता बिलखता आया है, तो राम नाम दरबार है। राम का जो नाम लेगा, वो आपने नहीं सुना कि राम राम नाम आधार जिनका, पत्थर भी तर जाते हैं? तो ये राम का दरबार है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति दुख से पीड़ा से आता है, बीमारी है किसी को, किसी पे ऊपरी चक्कर होता है या कुछ भी है, तो यहाँ से वो पूर्ण तरीके से स्वस्थ होके जाता है। बस दिल में आस्था रखनी होती है। ये आप इस चांदला पहाड़ पर आप कब से जमे हुए हैं? यहाँ परमात्मा की प्रेरणा से 2011 में आया था और जब से लोगों की सेवा कर रहे हैं, जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं, प्रकृति के लिए कार्य कर रहे हैं। और आगे आप क्या है, आपका संदेश क्या है? आप संदेश ये है कि जो मानव जीवन में भटकाव है, परेशानियां हैं, व्याधियां, उसको दूर करने के लिए उन्हें उपाय बताते हैं, समझाते हैं और आगे भविष्य के लिए सुखद समृद्धि के लिए उसे बहुत अच्छी बातों को समझा करके और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। इस चांदला पहाड़ पर हैं और यहाँ पर जल कल्याण का काम आप कर रही हैं और लोगों के काम भी हुए, अच्छी बात है। तो अब आप क्या संदेश देना चाहती हैं? संदेश के अनुसार तो हम यही कहना चाहेंगे, सबसे प्रथम जो हमारा अपना कार्य क्षेत्र रहता है यहाँ पर, मनुष्य को, जैसे हमारे पिछड़े वर्ग के हैं, आदिवासी हैं, बेचारे जो गरीब जनता है, जिनको हमारे द्वारा या कार्य क्षेत्र के द्वारा उनको ये शिक्षा देना, उनको ये ज्ञान वचन देना कि आप सुबह अपने बच्चों को शिक्षा दें, आप नहाएं धोएं, भगवान का स्मरण करें, महिलाओं को ये जो बोल दें कि आप सुबह उठ के अपने तुलसी मैया पे जल चढ़ाएं, क्योंकि हमारा जो धार्मिक संस्कृति है, सबसे प्रथम, क्योंकि हम अगर अपने न्यू को ही मजबूत करें, धर्म के प्रति उनको अग्रसर करें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को नहीं हम लेते, हम सिर्फ ये लेते हैं कि जो मेरे राम को मानता है और जो प्रभु शरण में समर्पित हो, क्योंकि खाली
मतलब शोर करने से ही नहीं प्रभु को समर्पित होता, प्रभु मिलता है। प्रभु को अंतर आत्मा में हृदय में धारण करिए, धारण करने के बाद में तो बस सबसे प्रथम कार्य तो ये कि जब मनुष्य के अंदर ये धर्म के प्रति प्रेम आस्था विश्वास होगा तो अपने आप देश कार्य क्षेत्र सब सफलता की ओर जाएगा, है ना। तो बस छोटा सा यही है कि मनुष्य को जागृत कराना, मनुष्य को ज्ञान वचन देना, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागृत कराना कि बेटा पढ़ो, नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारा जीवन ऐसे सीधे सिर्फ मजदूरी करोगे, हकीकत में यही सब चीज़ें करते रहते हैं। और फिर जो जन सेवा होती प्रभु कृपा से वो सेवा कार्य क्षेत्र लेते हैं।